सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पसरस। दिस इज माय फिफ्थ वीडियो और आज मैं फिर से एक बार अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं चांदनी चौक गुरुद्वारे आया हूं, शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है, जहां टूट गया था औरंगजेब का गुरूर, जीत गया था गुरु का अभिमान, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दी थी शहादत, जहाँ सिखों के 9वें गुरु ने दिया था जीवन बलिदान। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यह है जूती घर, यहाँ पे आप जूती आराम से अपनी जमा करा सकते हैं। यहाँ पे वैसे फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये एक देख सकते हैं गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी जहाँ पे स्नान किया करते थे। मैंने एक छोटा सा टिप लेने की कोशिश की है, यहीं पर जल भी पिलाया जाता है। ये देखिए सामने, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने क्लिप लिया है, ये है बाथरूम, राइट साइड में ही है। यहाँ पे भी आप आराम से वॉशरूम वगैरह में कर आ सकते हैं। यहाँ की अरदास का अंदाज आपका मन मोह लेगा, शब्द और सुर आपके साहिब गुरु तेग बहादुर जी की याद दिला देगा और आपको आपकी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नजदीक होने का एहसास ले दिला देगा। हजारों लोग यहाँ रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं, मन में अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए साहिब जी से अरदास करते हैं। मुगलों की विरासत में लाल किले के सामने बना गुरु तेग बहादुर शीशगंज बुराई की हार और सच्चाई की विजय का एक आदर्श है। 1783 में बघेल सिंह ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के लिए उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। मुगलों ने आतंक मचा रखा था, सभी कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम का परिवर्तन किए जाने का हुक्म था। शहीदी का समय सभी कश्मीरी पंडित जी गुरु जी के दरबार में पहुंचे, हिंदुओं को इस परेशानी के बारे में निकालने की विनती की। गुरु जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो उस टाइम सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने पिता से कहा कि इस समय इस स्थिति में महान शख्स की शहादत भी मांग रही है, आपको अलावा यहाँ कोई नहीं है बलिदान देने के लिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी की ये बात सुनी तो वह बड़े प्रसन्न हुए। और जब गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिया था, जब गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के सामने पहुँचे तो औरंगजेब जी ने आदेश दिया इस्लाम कबूल करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया। 11 नवंबर 1665 को उन्हें मौत की सजा दी गई। ये शहादत शीशगंज गुरुद्वारे की जगह पे दी सुनाई गई थी, इसीलिए यहाँ पे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो हमेशा एक हमारे गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान को दर्शाता है। यहाँ से देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं, कैसे हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करी है, मैं ज़्यादा, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं पाऊँगा, इसलिए आप अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जाके देख सकते हैं तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश करी। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल में, यहाँ से देखिए, ये है लंगर हॉल। यहाँ पे लंगर शक के जरूर आएँ, जब भी आएँ, बहुत शानदार लंगर हॉल है और बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा स्वादिष्ट लंगर है, गुरु का लंगर है, इसलिए यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ से हम बाहर जाते हुए, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, मैंने एक थोड़े से क्लिप लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो यहाँ पे फ़ोटो खींचने अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लिप वगैरह इकट्ठे करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये मेरा, मैं एंड इस वीडियो को एंड करते हुए यहाँ से, ये देख सकते हैं जूतों की सेवा। सो दैट्स एंड ऑफ आवर वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, गुड बाय।